दोस्तों, हिमाचल की राजधानी शिमला देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बेहतरीन पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सुंदरता को निहारने के लिए न केवल सिर्फ देश के लोग यहाँ देखने को मिलते हैं बल्कि विदेश से भी कई पर्यटक यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का मजा लेने के लिए आते हैं। चारों तरफ से बर्फीली घाटियां और पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये खूबसूरत राज्य अपने अंदर कई दिलचस्प राज समेटे हुए है और आज हम उसी राज को आपके सामने खोलने आए हैं। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं शिमला ब्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रवि। और दोस्तों, अगर आप शिमला जाना चाहते हैं, शिमला जाने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको दिल्ली टू कालका की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और उसके बाद जर्नी होती है आपकी स्टार्ट। आप चाहे तो बाई रोड भी जा सकते हैं लेकिन बाई ट्रेन जो जाने का मजा है, यानी कि जो जाने का मजा टॉय ट्रेन से है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप सिन साइड करते हुए आप जाएंगे उस ट्रेन के अंदर और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। नैनो गैस पे चलते हुए टॉय ट्रेन बहुत ही अच्छी लगती है और ये सफर आपके लिए यादगार बनकर रह जाता है। और दोस्तों, 4 से 5 घंटे के खूबसूरत सफर के बाद आप जाते हैं शिमला के रेलवे स्टेशन पर, जो कि बहुत ही सुंदर स्टेशन बनाए हैं हिल पर और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और दोस्तों, शिमला जाने के बाद या शिमला जाने से पहले आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या वहां पर भी पहुंचकर आप बुकिंग कर सकते हैं होटल की, जो कि आपको इजीली मिल जाती है। वहां पर जो है टूरिस्ट गाइड होते हैं, जो है कुली होते हैं, वो आपको होटल तक पहुंचा देंगे। और हमारा जो होटल था वो कालीवाड़ी के पास जीपीओ है, जीपीओ के पास हमने होटल बुक किया था। होटल का नाम है होटल डल झील, जिसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें रहा। और ये होटल डल झील है जिसके अंदर हमने स्टे किया है और ये देखिए रूम कितना अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। रूम के अंदर सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। मैंने ये ट्रिपल बेड रूम बुक किया है और इसमें मैंने अपनी फैमिली के साथ स्टे किया है। इजी लोकेशन है, आप आएंगे रेलवे स्टेशन से, फिर पूछिएगा जीपीओ कहाँ है, जीपीओ के साथ में ही डल होटल डल झील है, तो आप स्टे कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको इस रूम में मिली है। पहला दिन है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे शिमला लोकल के लिए और मैं अपने साथ साथ आपको भी दिखाऊंगा कि शिमला में लोकल कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आप। वैसे तो मैंने अपने पहले ब्लॉगों में भी दिखाया है बट मैं इस ब्लॉग में भी आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, डे फर्स्ट में हम आज कवर करेंगे तारा देवी टेंपल और उसके बाद करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जो कि राष्ट्रपति भवन निवास के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद हम जाएंगे हिमालय बर्ड पार्क और दोस्तों उसके बाद हम वापस जाएंगे माल रोड पर। माल रोड के बाद हम जाएंगे रिस पर, हम वहां पर क्राइस्ट चर्च देखेंगे, रिस देखेंगे और जो भी आसपास का एरिया है उसको कवर करेंगे, लाइक लक्कड़ बाजार। जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो सकेगा हम उतना और कवर करेंगे आज के दिन में। और दोस्तों, ये है तारा देवी टेंपल। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्वर्ग की देवी माँ तारा देवी का वास है। यहाँ माँ तारा के दर्शन करने लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त माँ तारा देवी के दरबार में पहुँचता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और दोस्तों, इस मंदिर के साथ आधा किलोमीटर की दूरी पर माता दूधधारी मंदिर भी स्थित है। जो श्रद्धालु माँ तारा देवी के दर्शन करने पहुँचते हैं वह दूधधारी मंदिर भी जरूर जाते हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि स्थानीय लोगों की गाय यदि दूध नहीं देती है तो वह दूधधारी माँ से मन्नत करने पर उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ से दूधधारी मंदिर से जो नजारा होता है बड़ा ही औसम होता है। और दोस्तों, शिमला ब्लॉग में हमारी अगली डेस्टिनेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। वाइस रीगल्स लॉज शिमला की सांस्कृतिक विरासत है। संस्थान की धरोहर इमारत का दीदार करने, यहाँ के इतिहास और आजादी से पहले के ऐतिहासिक घटनाक्रमों की जानकारी लेने के लिए एक बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला पहुँचने वाले अधिकांश सैलानी संस्थान का दीदार किए बगैर अपने डेस्टिनेशन को वापस नहीं लौटते, यानी कि जो शिमला आते हैं मोस्टली लोग यहाँ जरूर आते हैं। दोस्तों, इसकी जो टिकट रखी गई है नॉमिनल चार्जेस है जो 50 रुपीज का है।
दोस्तों ये मेरे सामने है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो शिमला के में अगर आप आ रहे हैं तो अपनी डेस्टिनेशन में ये जरूर शामिल कीजिएगा, इसके बिना आपकी शिमला की यात्रा अधूरी है। दोस्तों हिमालयन बर्ड पार्क नेचर लवर्स के लिए एक अद्भुत जगह है। इसमें दुर्लभ पौधों और पेड़ों के साथ साथ हरे हरे चरागाहों को शामिल किया गया है। हिमालयन एवेरी के नाम से अधिक लोकप्रिय शिमला का यह पार्क पक्षियों की एक बड़ी श्रृंखला को समायोजित करता है और यह इसी के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों आगे चलते हैं हम रिज पर। शिमला के रिज पर जाने से पहले हमें ब्यूटीफुल माल रोड से गुजरना होगा। माल रोड हिमाचल प्रदेश के शिमला के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। माल रोड एक ऐसी जगह है जहां पर आप प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए और उसके साथ साथ विभिन्न व्यंजनों का आनंद उठाते हुए इस सड़क की सैर कर सकते हैं। हॉर्स राइड, फोटोग्राफर और छोटे विक्रेता माल रोड के मुख्य आकर्षणों में से एक है। और हम शिमला में सारी चीजें देखने के बाद आज रिज पर आए और शिमला के माल रोड पे भी विजिट करेंगे। और दोस्तों ये है गेटी थिएटर, इसमें कई प्रसिद्ध फिल्म हस्तियों ने प्रदर्शन किया है। और इसके आगे है मेयर हाउस और यहाँ से होते हुए हम रिज पर पहुँच गए। और दोस्तों ये है शिमला का रिज। शिमला शहर के मध्य में स्थित रिज द रिज के नाम से एक बेहद खूबसूरत स्थान है जहाँ से दूर दूर तक खूबसूरत पर्वत मालाओं को देखा जा सकता है। द रिज शिमला के सभी सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र है। भारत में आजादी से पहले भारतीयों को द रिज आने की मनाही थी। और दोस्तों रिज पे ही क्राइस्ट चर्च है जो शिमला के एक फेमस पर्यटन स्थल में से एक है और यहाँ पर इसे देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों ये है लकड़ बाजार। लकड़ बाजार आकर्षक लकड़ी की वस्तुओं की पेशकश करने वाला एक लोकप्रिय खरीदारी क्षेत्र है। यहाँ सबसे अधिक बिकने वाली वस्तुओं में से एक लकड़ी से चलने वाली छड़ें भी शामिल हैं। इन हस्तनिर्मित लकड़ी की वस्तुओं को स्मृति चिन्ह के रूप में रखा जा सकता है। और दोस्तों लकड़ बाजार देखने के बाद हम वापस रिज पे गए और रिज का जो रात का नजारा जो होता है बहुत ही अद्भुत होता है। लोगों की संख्या रात में भी काफी ज्यादा होती है। और दोस्तों डे टू में हम कवर करेंगे श्री हनुमान मंदिर जाकू, नालदेहरा जाएंगे और उसके बाद क्रिक नैनो नेचर पार्क जाएंगे। और दोस्तों ये है शिमला का जाकू टेंपल मंदिर जहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। यह शिमला के काफी हिस्सों से देखी जा सकती है। यूं तो शिमला का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य देश ही नहीं बल्कि विदेशों को भी अपनी विशेष पहचान रखता है। दोस्तों आज हम आए जाकू टेंपल जो हनुमान जी का बहुत फेमस टेंपल है इन शिमला। अगर आप शिमला आते हैं तो बिना जाकू टेंपल के आपकी यात्रा जो है अधूरी है। और अगर आप शिमला आ रहे हैं तो हनुमान जी के जाकू टेंपल में अवश्य आए। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो बहुत ही सुंदर है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये मंदिर है कैसा। टेंपल से यहाँ से पूरा शिमला का व्यू दिखता है। यहाँ पे आप रोप वे के थ्रू आ सकते हैं या फिर पैदल 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके आ सकते हैं। और शिमला के रिज पे खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी। ऐतिहासिक जाकू पर्वत के शिखर पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर दुनिया भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी रहा है। दरअसल त्रेता युग में राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण की मूर्छा से बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए सुमेरु पर्वत पे गए थे। इसी यात्रा के बीच में हनुमान जी जब शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाकू पर्वत पर विश्राम करने के लिए रुके थे। और दोस्तों हम शिमला से जाकू टेंपल के बाद निकले हैं नालदेहरा के लिए। रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, रेस्टोरेंट ढाबे पे, और देखते हैं यहाँ पर कैसा है। देखने में तो सही लग रहा है, अभी खाने के बाद देखेंगे उसका खाने का टेस्ट कैसा है। देखिए रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों अब पहुँच गए हम नालदेहरा। और दोस्तों नालदेहरा का गोल्फ कोर्स देखने से पहले आप यहाँ पर कई एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे कि हमने की थी जिपलाइन और हमें बहुत मजा आया। और मैं जिपलाइन कर रहा हूँ, लाइफ का एडवेंचर है। दोस्तों नालदेहरा
प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ देश के सबसे पुराने गोल्फ कोर्स में से एक है। और दोस्तों ये है क्रेगनानो नेचर पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश के मसोबरा में स्थित है और ये बहुत ही सुंदर नेचर पार्क है। अगर आप शिमला के आसपास विजिट करना चाहते हैं तो इस प्लेस को आप अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हैं। फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये क्रेगनानो नेचर पार्क। और दोस्तों आपको अगर इन सभी प्लेसेस की डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मेरे चैनल पे इन सभी प्लेसेस की एक डिटेल वीडियो है। और दोस्तों ये था हमारा शिमला ब्लॉग। शिमला से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है आप मुझसे कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, इसमें मैंने कुफरी और नारकंडा शामिल नहीं किया है क्योंकि ये समर का ब्लॉग है। अगर आप समर में जा रहे हैं तो नारकंडा और कुफरी जाकर आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब स्नो होती है तभी वो प्लेसेस आपको एंजॉय कराएंगे। अदरवाइज वहाँ जाने आपके लिए यूजलेस हैं, वहाँ जाने का आपका कोई फायदा नहीं है। तो आप इन जगहों को आप देख सकते हैं, अपने आइटनरी में शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों लोकल अगर आप घूम रहे हैं तो टैक्सी का किराया वहाँ पर जो है 1500 से 2000 रुपये लगता है। बाकी पीक सीजन होता है तो ऊपर नीचे हो सकता है। और हाँ, अगर आप शिमला से बाहर घूम रहे हैं तो यही किराया 2 से 2500-3000 तक चला जाता है। ये आपकी में कितने लोग हैं उन पर डिपेंड करता है, बल्कि नॉर्मल फेयर इतना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।